शहजाद भाई हैं हमारे, खालिद भाई हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, उन्हीं के ही मित्र हैं ये भी। ये हमें जंगल सफारी के लिए ले जाएंगे आज। ये कार हमारा है मिक्स वेज, कढ़ाई पनीर, हमारी चटनी और ये प्लेन रोटी। शुरुआत कर दी है खाना बनाने की। प्याज टमाटर तो काट लिए हैं, मिर्ची काट ली है, प्याज काट रहा हूँ। प्याज काट के फिर बनाएंगे, अंडे उबल रहे हैं, बनाते हैं खाना और दिखाते हैं आपको कैसा बनाया है, खाना कैसा बनाया है। एक रूम ये रहा और एक किचन, ये टॉयलेट बाथरूम। रोहित भाई बाहर निकलो। और ये एक रूम, ये देखिए मंदिर दिख रहा है ना, ये देखिए कितना क्लियर दिख रहा है। घूमने गए हैं तो मैं तो पता नहीं क्या। हाँ आ गए हैं हल्द्वानी के मैगी पॉइंट पे। ये देखिए नदी भी बह रही है यहाँ पे। अब कितने खूबसूरत लोकेशन है, देखो जबरदस्त लोकेशन, मज़ा आ गया है। नहीं कि आ गया यहाँ, कैफेज बने हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे। ये देखिए कैफेज बने हुए हैं यहाँ पे, देखो सारे हल्द्वानी के लोग यहीं आते हैं कैफे में ना। घूमने गए हैं तो मैं तो पता नहीं क्या। हाँ बहुत ही सुंदर लोकेशन है, देखो नहीं वो ले रहा हूँ। तो भैया मैगी पॉइंट से खाना खाने के बाद अब सीधा जा रहे हैं हम घोड़ाखाल मंदिर के पास, घोड़ाखाल मंदिर में। और वहाँ रास्ते में चल चलते हमें दिखा महादेव का छोटा कैलाश जो हल्द्वानी में है। ये देखिए ये है ना, जो ये देखिए मंदिर दिख रहा है ना, ये देखिए कितना क्लियर दिख रहा है। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने रूम पे। ये आज की हमारी सोने की जगह है। ये किचन, एक रूम ये भी है, एक रूम ये रहा और एक किचन, ये टॉयलेट बाथरूम। रोहित भाई बाहर निकलो। और ये एक रूम ये, और ये बाहर से यहाँ से बालकनी से ये व्यू। ये कौन सी जगह है? भीमताल। भीमताल के सामने बड़ा है भाई, भीमताल भी बहुत बड़ा है, लगता नहीं है। तो भाई बस शुरुआत कर दी है खाना बनाने की। प्याज टमाटर तो काट लिए हैं, मिर्च भी काट ली है, प्याज काट रहा हूँ। प्याज काट के फिर बनाएंगे, अंडे उबल रहे हैं और बनाते हैं खाना और दिखाते हैं आपको कैसा बनाया खाना, कैसा बनेगा। सोच रहे विक्की भाई से बनाया, विक्की भाई कैसा बनाओगे खाना? भैया बना देंगे, खाने लायक तो बना ही देंगे। खाने लायक नहीं बनाना, देखो सुनो हाँ। जायकेदार बनना चाहिए। हाँ जायकेदार बन जाएगा, मिर्च मसाला ठीक ही बनेगा। खिलाता हूँ तो आप बिल्कुल जायकेदार खिलाओ। तुम्हारी टक्कर का तो नहीं बनेगा लेकिन बन जाएगा। नहीं नहीं बने, टक्कर का क्या, मेरे से ऊपर का बनाओगे आप? चलो देखते हैं आज। हाँ बस तो भाइयों खाना खाने के बाद ना इनको एक्टिंग की सूझी है, ये एक्टिंग कर रहे हैं हमारे भाई सारे। अब देखते हैं इनकी एक्टिंग कैसी होती है। चलो हमारा जो सिचुएशन है ना, हमारा टॉपिक ये है कि मैं एक लड़की से वन साइड लव करता हूँ और मैं उस पर एफर्ट्स कर रहा हूँ, बट मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा कट रहा है, वो मेरे को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देती है और मेरा दोस्त मुझे समझा रहा। 3, 2, 1 एक्शन के 2 सेकंड बाद एक्शन। अरे भाई कितनी पिएगा? मत पी भाई, भूल जाओ उस लड़की को, वो तेरा बस यूज कर रही है, तेरा इस्तेमाल कर रही है, वो निकल जाएगी। तेरे को भाई बहुत लड़कियां मिलेंगी, उसको भूल जा। तो सारा दिमाग से पैदल है क्या, भूल गया क्या? हंस क्यों रहा है यार, कट करो, हंस क्यों? तू पागल है क्या? तुझे पता नहीं है मैं उसे कितना प्यार करता हूं? सुबह उससे बात करता हूँ, रात में उससे बात करता हूँ, शाम को उसके साथ घूमता हूँ। बस एक दिन में एक टाइम होता है जब मैं अपना कुछ काम करता हूँ, बाकी दिन के तीनों वक्त में उसको देता हूँ, उसको उसी टाइम में चली जाती। और ये सालों की वजह से कभी मैं कुछ बन नहीं पाया। क्यों? जब कुछ बनना होता है ये साले कभी अपने दांत फाड़ते रहते हैं। अंशुल देख, मैं तेरे को आखिरी बार समझा रहा हूँ, वो लड़की तेरे लिए सही नहीं है भाई। हम लड़कों के साथ ऐसे ही होता है, जिस लड़की के लिए ना हम एफर्ट्स करते हैं, जिसके लिए हम दिल से मरते हैं ना, वो हमारी मार के जाती है उल्टा। मैं तेरे को कह रहा हूँ वो लड़की तेरे लिए सही नहीं है। वो लड़की तेरे लिए सही नहीं है भाई, वो मेरे को भी लाइन मारती थी भाई। हम लड़कों के साथ ऐसे ही होता है।
हम जिसके लिए एफर्ट्स करते हैं ना वो हमारी उल्टा मार के जाती है, और जिस लड़की के लिए हम एफर्ट्स नहीं करेंगे ना वो हमारे लिए एफर्ट्स करेगी। हमें अपनी पसंद की लड़की कभी नहीं मिली, ना उसको मिली, ना उसको मिली, ना तुझे मिली। मुझे मिलने की कोशिश थी मेरी, वो भी नहीं मिली। तुझे क्या लगता है तेरी शक्ल में कोई खराब है क्या? माना थोड़ी सी खराब है, लेकिन तेरे को लड़कियां बहुत मिलेंगी मेरे भाई, भूल जा उसको। या भाई अभी तक तो नहीं मिली। तू भी तो मर रहा है ना, क्या उखाड़ा तूने? तू से शादी करेगा ना वो तुझे। तो भाई साहब नए दिन की शुरुआत हो चुकी है घोड़ाखाल भवाली से, और मेरे साथ है मेरा भाई अंशुल, जिसके हम फ्लैट में रुके थे। बहुत ही सुंदर लोकेशन पे फ्लैट था और बहुत अच्छा फ्लैट था, और उसे खरीदने हम खरीदने की बात कर रहे हैं। अब इससे खरीद लेंगे वो, लेकिन भैया को मेहनत करनी पड़ गई वहाँ पे। हाँ, सारा खाना बनाने से लेके सफाई से लेके, क्योंकि ये दो पहाड़ियां ना खड़े हैं देखो सामने, ये रे रोहित जी, अरे ये कोई काम नहीं करते हैं, नकली पहाड़ियां हैं ये, बताओ। ये सारा काम मेहमानों से कराते हैं। कभी आप भी कराते हो क्या अपने घर पे आए हुए मेहमानों से बर्तन धुलवाना, खाना बनाना, ये कराते हैं सब? ये बहुत नालायक है, इसे आता नहीं है कुछ, बताओ। अब क्या कर सकते हैं बताओ, इससे ज्यादा इन्होंने नाश कर दिया हमारा पूरा रात का हर चीज का। और अभी भी देखो कैसे कह रहे हैं ऊपर चढ़ेंगे, पैर में पलस्तर चल रहा है, लंगड़े हो रहे हैं, अरे ऊपर चढ़ेंगे। चलिए चलते हैं हल्द्वानी, कल जहाँ इलाज कराया था अब दोबारा वहाँ बैक का कराते हैं। 50-60% बैक में आराम है, तो सोचते हैं कि अब एक दिन और करा लेते हैं जिससे कि दोबारा इंजन बढ़ जाए। चलिए मिलते हैं हल्द्वानी की तरफ चलते हैं। क्यों भाई चले भाई? चलो भैया चलो। ये सामने घोड़ाखाल मंदिर है, यहीं से हाथ जोड़ लिए हमने बाबा गोलजू देवता के, माफ करना हमें। दर्शन करने के बाद हम आ गए थे सीधा हल्द्वानी में, मैजिक रेस्टोरेंट है यहाँ, बहुत अच्छा खाना बता रहे हैं रोहित भाई। चलते हैं खाते हैं, देखते हैं क्या है, भूख लग रही है क्योंकि। आ जाओ जी, कैसा है खाना रोहित भाई? खाना कैसा है यहाँ का? खाना बहुत बढ़िया, शानदार। चलो तो चलो, हमारा है मिक्स वेज, कढ़ाई पनीर, और ये चटनी, और ये प्लेन रोटी। और देखो सबसे पहले कौन खा रहा है, भूखा शेर। चलो खाते हैं फिर कराते हैं इनका भी इलाज। कह रहे हैं कि आप कितनी लड़कियों के साथ घूमते हो? शक्ल देख के लगता है एक भी लड़कियों के लिए समय का पहले था आप पे, पहले कितने के साथ घूमे? समय के साथ साथ शक्ल भी चाहिए होती है। आप क्या कहते हैं, नाम, पैसा, ये सब चीजें, ये सब आपके पास होगा तो लड़कियां ऐसे झाड़ू के जो कूड़ा होता ना पीछे भी जाता है ऐसा है। अच्छा तो आप क्या कहना, बस यही बोलना चाहते हो? नहीं बोलना चाहिए। गुड आफ्टरनून दोस्तों, क्या हाल है आपके? मैं अमित तोमर, एंड यू वॉचिंग एटी ब्लॉग्स। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपका दिन जा रहा होगा। तो आज हम पाम ग्रूम्स रिजॉर्ट में रुके हुए हैं, किस लिए रुके हुए हैं ये बाद में बताएंगे आपको। अभी हम फिलहाल हम जा रहे हैं जंगल सफारी के लिए, लंच हमने कर लिया है यहाँ, अब जंगल सफारी के लिए हम निकलते हैं सीधा। दिखाते हैं आपको कुछ, अगर कोई एनिमल दिखाई देता है। हाँ हाँ जा रहे हैं, ये लंबे बाल वाली लड़की भी ब्लॉगर है, ये भी ब्लॉगर है, ये भी, और अब चल रहे हैं सीधा। ऐसे मत, बात होने से पहले छोटा टाइगर दिख गया हमें। भैया ने अभी से पागल बनाने से ये देखो बेटा। क्या हमको लेके जाएंगे हमारे भाई, ये ब्रदर है हमारे, ये लेके जाएंगे हमें। भैया क्या हाल है आपके, आपका क्या नाम है भैया? हाँ शहजाद भाई हैं हमारे, खालिद भाई हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, उन्हीं के ही मित्र हैं ये भी। ये हमें जंगल सफारी के लिए ले जाएंगे आज, ये कार है हमारी। और ये चल दिए हैं हम